टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा ट्विटर के खरीदे जाने के बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ब्लूटिक सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान को शामिल करने का है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर ब्लूटिक के लिए कीमत की घोषणा कर दी है। एलन मस्क की घोषणा के मुताबिक ट्विटर पर ब्लूटिक की कीमत $8 यानी कि करीब 660 रुपये प्रति माह होगी। एलन मस्क ने मंगलवार को ट्विटर ब्लू के एक नए संस्करण की घोषणा की, जिसमें उन्होंने ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई करके उल्लेख करने और सर्च करने में प्राथमिकता के साथ ट्विटर की सदस्यता सेवा के लिए हर महीने $8 का शुल्क लेने की योजना बनाई है। बता दें कि जैसे ही एलन मस्क ने पेड ब्लू टिक का इशारा किया, सोशल मीडिया पर जमकर इसका विरोध शुरू हो गया। हाल ही में एक लेखक स्टीफन किंग ने पेड ब्लू टिक को लेकर गाली तक दे डाली थी, जिसके बाद एलन मस्क ने लेखक के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा था कि $8 के बारे में क्या ख्याल है। दरअसल एक यूजर ने एलन मस्क को ट्वीट करके पूछा था कि उसके पास भारी संख्या में फॉलोअर्स हैं, बावजूद उसे ब्लू टिक नहीं मिल पा रहा। इस ट्वीट के रिप्लाई में ही एलन मस्क ने पेड ब्लू टिक का इशारा किया, जिसके बाद ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए सबसे पहले $19.99 यानी कि करीब 1600 रुपये चार्ज करने की बात कही जा रही थी, जिसका लोग जमकर विरोध कर रहे थे। वहीं लेखक स्टीफन किंग ने इसका विरोध करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, ब्लू टिक के लिए 1600 रुपये ये बकवास है, बल्कि उन लोगों को मुझे पे करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं प्लेटफॉर्म छोड़ दूंगा। लेखक के ट्वीट का जवाब देते हुए एलन मस्क ने बताया कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए 1600 रुपये नहीं बल्कि $8 लगेंगे। मस्क ने ट्वीट किया कि हमें किसी तरह बिलों का भुगतान करना होगा। ट्विटर पूरी तरह से विज्ञापनदाताओं के भरोसे नहीं रह सकता। $8 के बारे में क्या ख्याल है? पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्विटर का पेड ब्लू टिक सिर्फ ट्विटर ब्लू मेंबर्स के लिए होगा, जो कि एक सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस है। ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद यूजर्स को ट्वीट एडिट करते समेत कई तरह के एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं। कहा जा रहा है कि जिनका अकाउंट पहले ही वेरीफाई है, उन्हें 90 दिनों के अंदर ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, नहीं तो प्रोफाइल से ब्लू टिक हट जाएगा। हालांकि मस्क के ट्वीट से साफ है कि कंपनी इसका दूसरे तरह से प्लान कर रही है, यानी ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज तो लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए यूजर्स को $8 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मस्क के ट्वीट से ये साफ नहीं है कि ये चार्ज ट्विटर ब्लू के लिए भी है या नहीं। आने वाले समय में इसको लेकर और जानकारी सामने आ सकती है। भारत में इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज अमेरिका से कम रह सकता है। फिलहाल इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सामने आने का इंतज़ार करना होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।